नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। कुशांबी तहसील चायल क्षेत्र के पहाड़पुर सुधवर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को भगवान श्री कृष्ण के धरती पर किए गए विभिन्न बाल रूपों का वर्णन किया एवं उनकी बाल लीला को भावपूर्ण दर्शाया एवं कालिया मर्दन की कथा सुनाई। भक्तों के जयकारे से कथा पांडांग गूंज उठा, जिसमें श्रोता भाव विभोर होकर कथा का आनंद लिया। श्रोता रामायण दत्त त्रिपाठी के सौजन्य से यह कथा कराई जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में कथा व्यास पंडित ब्रजेश आनंद महाराज अपने मुखारविंद से इस कथा जगत में कहा कि भक्ति में शक्ति आज भी है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। एक बार कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे। इसी बीच उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उसमें कालिया नाग का निवास था। जैसे ही कृष्ण जी देह में कूदे, कालिया नाग प्रकट हो गया। बाल रूप भगवान कृष्ण उसके फन पर सवार होकर उसको यमलोक पहुंचा दिया। उनकी इस लीला को देखकर सभी नर नारी उनकी जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण जय श्री राधे की जयकारे लगाने लगे। इसके बाद भगवान के जन्म और जीवन आधार की कथा सुनाई। इस बीच श्रोता जय त्रिपाठी, महेश्वर त्रिपाठी, वीरेंद्र त्रिपाठी, मनु पांडे, संतु त्रिपाठी, रोहित त्रिपाठी, अनिल के सर्वानी, गोलू कृपा, बेटू शेष आदि उपस्थित रहे। पूरी तैयारी है कि युद्ध होगा, पीछे नहीं हटा जाएगा। आज सज्जनों, चारूण मुष्टिक इन सब से युद्ध हो रहा है। भगवान का मल्ल युद्ध, बड़े बड़े महारथी योद्धा है, उन सबको भगवान पछाड़ रहे हैं, भगवान दाव पछाड़ रहे हैं। कंस की बारी आ गई है, दौड़ करके